टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा 21 नवंबर से खेला जाना है, ऐसे में भारतीय टीम आज रात ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान करेगी, जहां पर भारत 21 नवंबर से 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। भारत के लिए दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार भारत के जीत के चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम खासा कमजोर नजर आ रही है। साथ ही वार्नर और स्मिथ के बिना ऑस्ट्रेलिया टीम को अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से के बिना देखा जा रहा है। अब भारत के पास पूरी तरह से मौका है, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले भारत के कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर अपने बल्लेबाजों को नसीहत दे डाली। दरअसल भारत का इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में क्या हश्र हुआ ये हमने देखा, ऐसे में भारतीय गेंदबाजी तो काफी शानदार है, ये बात किसी से नहीं छुपी। अब गेंदबाजों पर से भारत में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद तो की जा सकती है। तो विराट ने कहा कि मुझे अपने गेंदबाजों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे अपनी गेंदबाजी यूनिट से बहुत सारी आशाएं हैं, वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे बल्लेबाजों को सीखना पड़ेगा, उन्हें रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो हम जीत हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर सेशन जीतने पड़ेंगे आपको टेस्ट मैच में, और उसके लिए पैचेस में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर बल्लेबाजों को सीखना होगा। विराट ने साफ तौर पर कहा कि जो बल्लेबाज रन नहीं बनाएगा उसको टेस्ट मैचेस में जगह नहीं दी जाएगी, यानी कि अल्टीमेटम तो दे दिया है भाई, बल्लेबाजों को अब सुधार करना होगा अपने खेल में, वरना विराट की एरा में मैच में टीम बदलते हुए और हर मैच में अलग अलग टीम खिलाने की कोई कमी तो है नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।